प्रणाम दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। हम सब ने रावण के अनेक रूप देखे हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि रावण ने अपनी ही बहू के साथ एक बार बहुत गलत काम किया था। इसी घोर पाप के कारण रावण का अंत हुआ था। आइए जानते हैं उसके बारे में। रावण की संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं, यह कहना बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों के भी तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। कहना सही है, रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे रामकथा का मूल माना जाता है। ब्रह्मा अप्सरा का नाम आपने सुना होगा, वह स्वर्ग की अप्सरा थी, जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर, ब्रह्मा नल कुबेर की पत्नी थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने पति से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने ब्रह्मा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने ब्रह्मा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्षते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। ब्रह्मा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाए। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधु है, लेकिन जब ब्रह्मा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय ब्रह्मा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही ब्रह्मा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है, जब यह साबित हो गया कि ब्रह्मा रावण की पुत्रवधु है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने ब्रह्मा से कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने ब्रह्मा के जागो और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहां तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने ब्रह्मा का बलात्कार किया। राक्षसराज रावण ने ब्रह्मा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर कामभूमि में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। ब्रह्मा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण ब्रह्मा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई ब्रह्मा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। ब्रह्मा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा न चाहती हो। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। उपर्युक्त कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, इसीलिए रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में लेकर गया। रावण अक्सर माँ सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहता था, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आगे की वीडियोस की अपडेट आपको आती रहे।